समुदाय का क्या होता है, एक विशेष क्षेत्र होता है। जैसे इंडिया भी एक समुदाय है, भारत भारत का एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र में रहने वाले लोग में हम की भावना है। ओलंपिक में कोई लड़की जीतती है तो हमें अच्छा लगता है, भारत की लड़की जीती है। हाँ, वी फीलिंग, व्हाट इज इट, वी फीलिंग, ड्यू टू वी फीलिंग ना। और अब ऐसा है ना, एरिया बड़ा से छोटा हो, यानी समुदाय के अंदर समुदाय होता है, समुदाय के अंदर समुदाय, समुदाय समुदाय, ठीक है। और समाज अपने आप में बहुत व्यापक है, उसको देखा नहीं जा सकता। एवरीवेयर इज सोसाइटी, हर जगह सोसाइटी है जहाँ रिलेशनशिप है। सिर्फ रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करता है वो सोसाइटी है। तो आज हम पढ़ेंगे, कल हमने सोसाइटी पढ़ा था, हम बस एक मिनट में एक दो पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे सोसाइटी में क्या क्या होता है। बताइए सोसाइटी का क्या कैरेक्टर है, कोई एक बात बताइए। इंसान दिखते हैं सोसाइटी में, इंसान दिखते हैं सोसाइटी में, आप बताइए। यस सर। सोसाइटी में इंसान नहीं दिखते, सोसाइटी में क्या होता है? सोसाइटी में क्या रिलेशनशिप्स होते हैं सर। वेरी गुड, ताली बजाओ। सोसाइटी में सिर्फ क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप दिखता है या नहीं दिखता है? नहीं दिखते हैं सर। नहीं दिखता है, उसका कैरेक्टर है। इतनी ही बात को बनाना है, ठीक है? यस सर। और उसमें इंटरेक्शन होता है, अवेयरनेस होता है, ये सोसाइटी का मेन कैरेक्टर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। अब हम लोग आगे की तरफ जाते हैं, कम्युनिटी की तरफ, ठीक है? कम्युनिटी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, उसको उधर ही रखो, जो बच्चे होंगे उस पर बात करते। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कम्युनिटी की तरफ। इस कम्युनिटी का मतलब है समुदाय। समुदाय देखिए, समाज के संदर्भ में और समुदाय के संदर्भ में हमने पहले भी कहा था कि एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते कॉन्सेप्ट का अर्थ बिल्कुल अलग होता है। एक भैंस चराने वाले व्यक्ति या एक आम आदमी जो जिंदगी गुजार रहा है, बीए नहीं किया है या सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा है, उसके समुदाय को समझने का अर्थ कुछ और होता है। जैसे फिजिक्स में बल, ऊर्जा, शक्ति का अर्थ और फिजिक्स में अर्थ कुछ और होता है और आम लोगों के अंडरस्टैंडिंग में कुछ और होता है। आम लोग बोलेंगे, अरे क्या कहते हैं, डंबल उठा रहे हो, बहुत ऊर्जा है भाई तेरे पास। कोई बोलेगा बहुत शक्ति है भाई को, बड़ा डंबल उठाता है। कोई बोलेगा बहुत मोमेंटम है, पता नहीं है क्या, वो फिजिक्स वाला बताएगा। तो तुम बोलते यार सोसाइटी के लोग ऐसे हैं, समाज के लोग। कोई बोलेगा यार समुदाय के लोग बड़ा अजीब हैं। अब वो समाज है कि समुदाय, ये कौन बताएगा? समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, और पूरी दुनिया में इसका अर्थ एक है। तो समाज जहाँ सामाजिक संबंधों का जाल है, रिलेशनशिप पे इनविजिबल है, उस पर बात करता है। समुदाय जस्ट इसका उल्टा है। समुदाय दिखता है, समाज दिखता नहीं है। समुदाय दिखता है। तो जैसे तुम बोलो कि ये डोई वाला क्या है सर, दिखता नहीं है, तो समाज नहीं है, ये समुदाय है। क्या है? कम्युनिटी है। समुदाय में लोग दिखते हैं, समुदाय में लोग दिखते हैं। अब जब तुम भानिया वाला के लोग को देख रहे हो, वो समुदाय के सदस्य हैं या समाज के? समुदाय के, कम्युनिटी के मेंबर हैं वो, भानिया वाला कम्युनिटी के, ठीक है? समुदाय में कुछ लोग होते हैं, क्या होता है, पीपल होते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ पीपल्स, या बोलोगे कुछ लोगों का समूह होता है। दूसरा पॉइंट, वी फीलिंग होता है, हम की भावना होती है, वी फीलिंग। वो समझते हैं हम एक है, वो समझते हैं हम एक है। अच्छा, भानिया वाला और डोई वाला के लोगों में अगर लड़ाई हो गई, तो डोई मान लो चार लड़का डोई वाला, चार लड़का भानिया वाला, इसको और थोड़ा आगे ले जाते हैं, देहरादून और लखनऊ के लड़के में लड़ाई हो गई, चार लड़का देहरादून का, चार लड़का लखनऊ का, तो देहरादून के लोग किसका समर्थन करेंगे? देहरादून वाले का। क्यों? हम की भावना होती है, सामुदायिक फीलिंग होती है, इसको कम्युनिटी फीलिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट, सामुदायिक भावना, कम्युनिटी फीलिंग, वी फीलिंग, हम की भावना। अब जैसे मान लो इंडियन आइडल होता है ना, yes, तो आपके उत्तराखंड का कोई लड़का होता है, देहरादून का कोई लड़का होता है, तो आप देहरादून के लड़के का समर्थन करते हैं या असम के? उत्तराखंड का, yes, कि भाई नेगी जी हैं, तो चुफाल जी हैं, कन्याल जी हैं, ठीक है? कौन कौन लड़के उत्तराखंड के गए थे, कुछ नाम बताओ। नौटियाल, नौटियाल। तो आप उसको वोट क्यों करते हो, इसके पीछे रीजन क्या है? वी आर बिलोंग
टू सेम कम्युनिटी, सेम कम्युनिटी, वी फीलिंग, धर्म की बात नहीं हो रही है, हम लोग एक साथ रह रहे। अगर आपके कॉलेज के किसी लड़के से और दूसरे कॉलेज से के किसी लड़के की लड़ाई हो जाती है तो स्पॉन्टेनियसली आप किसका समर्थन करेंगे? जाहिर सी बात है आप अपने कॉलेज के, क्योंकि कॉलेज एक कम्युनिटी है। अब जो कॉलेज में देख रहे हैं वो मेंबर, वो दिखने वाले, क्योंकि कम्युनिटी दिखता है, कॉलेज दिखता है, हम की भावना होती है, वी फीलिंग होती है, इसमें एक नॉर्म्स होता है, नियम होता है, सोसाइटी में भी नियम होता है, यहाँ भी नियम होता है, तौर तरीके होते हैं, नॉर्म्स, ठीक है, लॉ। अब देखो किसी लड़की की शादी है भानियावाला में, तो बोलते हैं ना भानियावाला के लड़की की शादी, यानी सारे भानियावाला के लड़की की शादी है, वो भानियावाला की बेटी है, बोलते हैं ना, yes, भानियावाला की बेटी की शादी हो रही है, तो हर भानियावाला के लोगों को उसमें शामिल होना है और कॉपरेट करना है, ऐसा उम्मीद किया जाता है आपसे, और होता है कि नहीं भाई, हम तुम्हारे बेटी की, यानी अपनी बेटी की शादी में हम ज़रूर रहेंगे पर हम खाना नहीं खाएंगे, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, पर मैं आऊँगा उसमें, हमारी सेवा जो होगी वो मैं दूंगा, बोलते कि नहीं, व्हाट इज इट, कम्युनिटी फीलिंग, क्या है, सामुदायिक भावना। तो आपको बात पूरी समझ में आ गई, ये चार पॉइंट आपकी एग्जाम में आएंगे, समुदाय क्या है इसकी विशेषता लिखें और समाज और समुदाय में अंतर बताएं। दूसरा क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन तो आएगा समुदाय क्या है, समुदाय की विशेषता लिखें, तीन पेज में लिखना है, आप लिख देंगे, तीन चार मैंने विशेषता बताई, सफिशियंट है, कॉपी भरना है आपको, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, कुछ भी नहीं भरना है, अगर ये बात आपको पता है तो आप भानियावाला लिखो, डोई वाला लिखो, कोई भी एग्जाम्पल से आप भर दो, कि एक लड़की की शादी हुई भानियावाला में और पूरे भानियावाला के लोग वहाँ आ रहे थे, कोई बाल्टी उठाए हुए थे, कोई जग उठाए हुए थे, कोई पानी, कोई कोई क्या कह रहे कि सब्जी, कोई कुछ, और सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, आखिर ये क्या है, व्हाट इज इट, बताएंगे, ये है समुदाय की भावना, हम की भावना, वो लोग एक मानते हैं सबको, ठीक है, और इस तरह से एक दूसरे की मदद करते हैं, कितनी बात लिखा जाएगी, और इस पर तुम क्या लेक्चर दे सकते हो कि नहीं, कितना बेहतरीन है, अगर मैं आ करके किताब खोल करके लिखा देता पॉइंट और बात नहीं समझ में आती तो आप ये काम नहीं कर सकते थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, क्या इम्पॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, और जो लोग नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके लिए भी अभी से अगर कॉन्सेप्ट पे आ गए, यही क्वेश्चन आएगा नेट में प्रोफेसर के लिए, इनमें से कौन समुदाय की विशेषता नहीं है, अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, नेट का क्वेश्चन है, ए इसमें संबंध होते हैं, बी इसमें हम की भावना होती है, सी इसमें व्यक्तियों का समूह होता है, डी ये एक विशेष क्षेत्र में होता है, वो फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला, वेरी गुड, ताली बजा दे इनके लिए, क्योंकि संबंध कहाँ होते हैं, सोसाइटी में, तो देखो सोसाइटी उसका मेन कैरेक्टर है, तो इसने पकड़ लिया ना, ऐसे ही हम नहीं बोलते कि स्मार्ट लड़की है, ठीक है, वैसे स्मार्टनेस पे भी मेरा एक लेक्चर है, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट पर्सन, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे, स्मार्ट का फुल फॉर्म मैंने बताया आपको क्या है, कोशिश करो माइक, स्मार्ट का कौन बताएगा फुल फॉर्म, एस फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मेजरेबल, हाँ, ए फॉर अचीवेबल, अचीवेबल या अटेनेबल, ठीक है, आर फॉर रिलेवेंट, रिलेवेंट, टी फॉर टाइम स्पेसिफिक, टाइम बेस, ठीक है, दैट इज व्हाई अगर इस पे आप खड़े हो, आ रहे हो सचमुच में कुछ सीखने और सीख के जा रहे हो, स्मार्ट हो आप, खाली टाइम पास कर रहे हो, अरे वो तो ठीक ही है यार, अच्छा पहनना खाना पीना वो सब चल रहा है, लेकिन साथ में अगर कुछ अच्छी चीज़ सीख लिया तो और अच्छी बात है ना, बैठिए, yes, तो आप स्मार्ट हैं, और सिर्फ आप नहीं, यहाँ सब लोग स्मार्ट हैं, सभी लोग स्मार्ट हैं, क्यों, क्योंकि टीचर स्मार्ट है, ठीक है, स्मार्ट टीचर होगा तो स्टूडेंट भी स्मार्ट होंगे, ठीक है, ये भी एक थ्योरी है, जैसी अच्छी मशीन होगी वैसा ही तो भाई प्रोडक्शन होगा, क्वालिटी किस पे डिपेंड कर रहा है,
कॉन्सेप्ट पे डिपेंड कर रहा है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा तो आपको समझ में आएगा। और यही कोई आकर के सिर्फ चलो भाई लिखो समुदाय क्या है विशेषता, कुछ समझ में नहीं आती असल चीज। और यही कॉन्सेप्ट समझ करके मैं प्रोफेसर बन गया। और याद करने वाले रटने वाले रट रहे अभी तक, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आजकल जो आ रहा है ना रटुआ नहीं आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग वाला आ रहा है, समझ बूझ का आ रहा है। और मतलब कोई भी चीज़ क्रैक करना बहुत टफ नहीं है, आसान है। और वो मैंने कर दिया, मेरे जैसा जब कर सकता है तो तुम तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो एक और चीज़ हमने उसने कहा था कम्युनिटी सेंटीमेंट री फीलिंग, एरिया होता है उसका, एक एक एरिया होता है, रीजन होता है, क्षेत्र होता है समुदाय का। तो ये था कुल मिलाकर के समुदाय का कॉन्सेप्ट। समुदाय का क्या होता है, एक विशेष क्षेत्र होता है। जैसे इंडिया भी एक समुदाय है, भारत भारत का एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र में रहने वाले लोग में हम की भावना है। ओलंपिक में कोई लड़की जीतती है तो हमें अच्छा लगता है भारत की लड़की जीती है। हाँ, वी फीलिंग, व्हाट इज इट, वी फीलिंग, ड्यू टू वी फीलिंग ना। और अब ऐसा है ना, एरिया बड़ा से छोटा हो, यानी समुदाय के अंदर समुदाय होता है, समुदाय के अंदर समुदाय, समुदाय समुदाय, ठीक है। और समाज अपने आप में बहुत व्यापक है, उसको देखा नहीं जा सकता। एवरीवेयर इज सोसाइटी, हर जगह सोसाइटी है जहाँ रिलेशनशिप है। सिर्फ रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करता है वो सोसाइटी है। तो इसको एक क्वेश्चन आ जाएगा, समाज और समुदाय में अंतर बताएं, डिफरेंशिएट सोसाइटी एंड कम्युनिटी, बहुत आसानी से कर लोगे, एकदम उल्टा है इसका, ठीक है। कोई सवाल तो नहीं है इसमें, थैंक यू।